गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम एक बार फिर से करेंगे स्किन डेरिवेटिव्स कल कुछ पोर्शन जो है इनकॉर्पोरेट करना रह गया था तो आज मैंने दोबारा फिर सोचा कि सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे कल बाय चांस कुछ गलती से वो रह गए ओके नौ ये तीनों derivatives है, claws, nails and hooves, जो तीनों डेरिवेटिव्स हैं क्लॉज नेल्स एंड होव्स जो है हम इकट्ठा लेते हैं बिकॉज बेसिकली इनकी जो प्लान है फॉर्मेशन है वो सेम है कैसे जैसे तुम्हें पता है कि ये जो लेयर्स हैं ये स्किन है स्किन तुम्हें पता है कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस की बनी है तो ये इतना जो पोर्शन जो है ये किसका है एपिडर्मिस और ये जो है दिस पोर्शन इज डर्मिस नाउ व्हाट हैपेंस इज एपिडर्मिस में भी अब आप देखो कि ये जो पोर्शन है दिस लोअर मोस्ट एरिया विच वी कॉल एज स्ट्रैटम बेसल या स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है और जो सब्सिक्वेंट अपर लेयर्स हैं वो एड होते रहते हैं फ्रॉम स्ट्रैटम बेसल Right. इस तरह नेक्स्ट इज स्पाइनोज ल्यूसीडियम दिस इज ल्यूसीडियम और स्ट्रैटम के ऊपर ऑलमोस्ट जो, जो है डेड सेल्स का बना हुआ है यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो इतना थिक्कन हो जाता है कि जो वियर एंड पार्ट होता है हमारे स्किन का वो ये पार्ट है और इस, इसीलिए इसको डेड किराटिनोसाइट इस, भी कहते हैं बिकॉज साइटोप्लाजम में जो किराटिन है वो आ, थिकन हो के मतलब साइटोप्लाज्म जो है किराटिन का बन जाता है थिक्किन बन जाता है एंड ऑलमोस्ट इट बिकम्स डेड नो इट इज दिस पोर्शन स्ट्रैटम कॉर्नियम पोर्शन विच फॉर्म्स द अबव मैंशन डेरेवेटिव ऑफ स्किन तो तीनों में चाहे नेल्स है क्लॉज है होव्स है उसमें ये स्ट्रैटम कॉर्नियम है जो कि जो अपर मोस्ट पार्ट बनाता है और ये जितने भी हैं स्किन ये क्लॉज नेल्स एंड होव्स के ये जो है दे आर सपोर्टेड इंटरनली बाई डिजिट ये देखो मैमल्स में अगर आप देखोगे तो ये जो है नॉट ओनली मैमल्स इन अदर एनिमल्स और चार डिजिट्स हैं इनमें जो आ, ये तो मेटा कार्पल है तो ईच डिजिट इज सपोर्टेड बाई थ्री बोन्स थम में जो है देर आर टू बोन्स देर आर ऑल टूगेदर फोटीन बोन्स इन वन डिजिट इन वन हैंड तो अब आप देखो ये जो टर्मिनल एंड है टर्मिनल फेलेंगस है ये सपोर्ट करती है तीनों स्किन डायरेवेट को यानी कि क्लॉज को नेल्स को और होव्स को ये सपोर्ट करती है एंड uh, जो चाहे इसके आगे नेल लगा हो राइट चाहे क्लॉ लगा हो चाहे हूफ लगा हो इस तरह जो है इंटरनली जो है स्ट्रेंथनिंग या सपोर्ट यहाँ से मिलती है तो ये तो था एक बेसिक प्लान अब हम एक एक करके लेते हैं तीनों uh, उसको सबसे पहले हम लेते हैं क्लॉ राइट क्लॉ अगर आप देखा जाए ट्रू क्लॉ जो है जो है ये एमन्योट्स में पाया जाता है एमन्योट्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसमें आते हैं रेप्टाइल्स इसमें आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स ठीक है इनमें जो है क्लॉज पाए जाते हैं और जो क्लॉ जो है अगर आप देखा जाए तो ये आ, एक तरह से एपिडर्मिस से डराइव किया हुआ है एक तरह से के बताया था मैंने एपिडर्मिस के स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर से डिराइव किया हुआ है और जो है इंटरनली जो है ये फैलेंस जो है इसको सपोर्ट करता है तो अब आप ये देखो कि ये जो अपर पार्ट है थिक्कन पार्ट है हॉर्नी पार्ट एपिडर्मिस जो है थिक्कन होकर हॉर्नी स्ट्रक्चर बनाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम ये जो पार्ट है इस अपर हॉर्नी पार्ट को हम कहते हैं अंगुस न यू सी दिसन इसको कहते हैं अंगुस और अंगुइस के नीचे एक और ही एक और लेयर है उस हॉर्नी पार्ट का ही लेयर है जिसको हम कहते हैं सब अंगुइस तो बेसिकली अब आप देखो ऊपर होता है अंगुइस अंगुस उसके नीचे होता है सब अंगुइस और अब आप देखो कि ये जो है जो टर्मिनल पोर्शन जो है यू कैन से जो क्लॉ बनता है वो इस तरह अंगुस और सब अंगुस दो लेयर्स का बनता है और Uh, अगर आप देखोगे एक में एक ये जो भी कोई क्लॉ है जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिस से दिस इन दिस डायग्राम यहाँ पर आप देखो कि ये तो ये ऊपर क्लॉ दिख रहा है और पीछे की तरफ हेयर दिस इज नोन एज जस्ट दिस दिस पोर्शन इज नोन एज क्लॉ रूट इसको बोलते हैं क्लॉ रूट बिकॉज यहां पर आप देखो एपिडर्मि जो है इस तरह फोल्डेड है और यहां पर क्लॉ रूट बना रहा है और ये क्लॉ रूट जो है इट इज गिविंग ठीक है ये जो है क्लॉ फॉर्मेशन के लिए क्रैटिन जो है कंटिन्यूसली ये क्लॉ रूट जो है प्रोवाइड करता रहता है और यह आप देखो क्लॉ की जो जो है रेगुलरली वन ट होती रहती है और वो रिप्लेस होती रहती है राइट right? सबसे पहले हम क्लॉ देखते हैं रेपटाइल्स में या अभी आप ये देखो ये जो है एक रेप्टिलियन क्लॉ है इसमें आप देखो ये सबसे ऊपर स्किन है यहाँ पर आप देखो एक बहुत बड़ा एरिया है ये देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये किसका है अंगुइस का है और अंगुइस के नीचे ये क्या है सब अंगुइस ठीक है और ये देखो टर्मिनल फैलेंस जो है इसको सपोर्ट कर रही है पर इसमें रेप्टिलियन क्लॉ में क्या है कि जो है क्लॉ भी पूरा इफ्यूसी सब अंगुइस जो है सब अंगुइस को ऊपर से भी कवर कर लेता है और ट्रांसवर्सली भी इस तरह भी कवर कर लेता है इस तरह आप देखोगे तो जो है जो सब वंगुई से एक तरह से अंगूस से पूरा कवर हो जाता है और रेगुलरली अब आप देखो ये जो क्लॉ है वो रिप्लेस होता रहता है ठीक है सेम इसी तरह का जो क्लॉ है वो बर्ड्स में भी पाया जाता है जिस तरह का रेप्टिलियन क्लॉ है उसी तरह बर्ड का भी है बट ओनली थिंग इज दैट बर्ड्स में क्या है फोर विंग्सिन मॉडिफाइड इंटू फोर लेम्स एविन मॉडिफाइड इन टू विंग्स जो हाइंड यानी कि फीट पर केवल जो है ये क्लॉ पाए जाते हैं बट एक एक्सेप्शन है बर्ड्स में जैसे एक बर्ड है ये देखो होर्ड्स इन बर्ड है इसमें जो यंग वन है कैन यू सी दिज टू क्लॉज यंग वनस के बर्ड्स पर दो दो क्लॉ ईच विंग पर पाए जाते हैं और ताकि सो देट दे कैन कैच होल्ड ऑफ द ट्रीज और ब्रांचेस और जब ये अडल्ट में जब वेन दे बिकम अडल्ट अब आप देखो विंग्स दे डू नॉट हैव एनी क्लॉ एनी मोर राइट सो एक ये एक्सेप्शन केस है जिसमें कि फोर लेग्स पर यानि कि फोर से फोर लेग्स पर या विंग्स uh, 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 पर क्लॉ uh, पाए जाते हैं अदरवाइज बर्ड्स में क्लॉज आर नेवर फाउंड ऑन द विंग्स दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन द फीट ठीक है नाउ वी कम टू मेमेलियन क्लॉ ये जो एग्ज़ाम ये जो डायग्राम है ये एक टिपिकल टिपिकल मेमेलियन क्लॉ का है इसमें क्या है कि मैमल्स में कौन कौन से एनिमल्स जिनमें क्लॉज जैसे कैट है लॉयन है कैट लॉयन टाइगर इनमें जो है क्लॉ पाया जाता है तो ओनली डिफ्रेंसेज आप देखो इसमें ये पोर्शन जो है क्या है अंगुइस सब अंगुइस जो है वो बहुत ही छोटा है और सब अंगुइस के नीचे जो है यू सी दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज नोन एज पैड और टोर्स फ्लैशी पार्ट है जिस पर जो है आपने देखा होगा कि जब कैट चलती है तो आवाज़ नहीं आती है लॉइन चलता है तो आवाज़ नहीं दी बिकॉज ऑफ दिस फ्लैशी पैट ठीक है और दूसरा इनके जो क्लॉज होते हैं ना वो रिट्रैक्टाइल होते हैं रिट्रैक्टाइल का मतलब कि वैन दे आर नॉट नॉट इन यूज़ दे आर रिट्रैक्टेड बैक ताकि वो शार्पेंड रहें वो टाइम के साथ घिस ना वैन दे आर नॉट इन यूज दे आर नॉट यू नो दे डो नॉट गेट ब्लंट ठीक है इसके अलावा अगर आप देखोगे कि कैट लॉन्ड टाइगर के अलावा प्राइमेट्स हैं जैसे लेमूर है या टारसियर से ये भी बंदर जैसा ये दिखाई देता है इनमें जो है इनके अगर आप डिजिट्स देखोगे तो इनमें जो है कुछ डिजिट्स में क्लॉज हैं और कुछ डिजिट्स में जो है नेल्स हैं यू कैन से ये जो दो एनिमल है एक तरह से ये जो है ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं ये, आ, इन में क्लॉज और नेल्स जो है दोनों चीज़ पाई जाती है ठीक है नाव इफ यू सी जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एमनोट्स में पाए जाते हैं uh, क्लॉज बट एक एक्सेप्शनल केस है एक जेनोपस uh, जो है एक एम्फीबियन है ये एक फ्रॉग है इसमें इफ़ यू सी इनमें एक्जैक्टली ट्रू क्लॉज तो होते नहीं है पर इनकी जो हाइंड लेग्स है ना वहाँ पर उनकी डिजिट्स के ऊपर ना ऐसे इस तरह से डार्क थिकनिंग है इस तरह जो एक डार्क थिकनिंग है जो एक तरह से हमें इंडिकेट uh, करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो आगे आगे आने वाले फाइल एडवांस्ड एनिमल्स में दे विल हैव क्लॉज तो इस तरह से हम इनको यू कैन से दे आर फोर रनर्स राइट ऑफ द ट्रू क्लॉज हायर वर्टिव रेट के ये फोर रनर से इंडिकेट करते हैं कि आगे आने वाले एनिमल्स में एडवांस्ड एनिमल्स में क्लॉज विल बी फॉन्ट ठीक है नाउ वी कम टू नेक्स्ट डेरेवेटिव दैट इज ने अब आप देखो नेल जो है एक तरह से प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एक यू कैन से बहुत कॉमन है प्राइमेट में प्राइमेट्स में मैमल्स के अंदर और इफ़ यू सी यहाँ पर जो अंगुइस एरिया है अपर एरिया है दैट इज कैन यू सी दिस पोर्शन दैट इज अंगुइस इज ब्रॉड एंड फ्लैटेंड और जबकि सब अंगुइस कैन यू सी दिस पोर्शन ये देखो ये सब अंगुइस है वो हाईली है तो सी बट रिड्यूज है ठीक है और उसके नीचे आप देखो ये क्या पोर्शन दिस ऑल डॉटेड पोर्शन इज डरमस पोर्शन विच इज़ रिचली सप्लाइड इन ब्लड रिचली सप्लाइड बाई ब्लडस इसके कारण जो है हमारे नेल्स जो हैं वो पिंक कलर के ल, 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 दिखते हैं बिकॉज ऑफ द रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड और एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स प्रेजेंट देयर ठीक है अब आप देखो दोनों तरफ आप इस नेल्स के जो है नेल ग्रूव है नेल ग्रूव को हम सल्कस अंगुइस भी कहते हैं राइट right. और पीछे आप मून शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाइटिश जिसको लून्यूला बोलते हैं और इसके पीछे एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको कहते हैं एपॉन्श या इसको हम क्यूटिकल भी बोलते हैं राइट right. ये इसका एक सजेटल सेक्शन है दिस इज दैट बोन विच सपोर्ट द डिजिट दिस इज द बेड और अंगुइस दिस इज अब दिस इज यू कैन से डर्मिस पोशन दिस इज एपिड डरमसपोशन विच फॉर्म्स द फिंगर टिप ऑफ द फिंगर ना वी कम टू हूफ हुफ का जो हम हाँ, हालांकि हमने ऊपर हुफ्स लिखा है पर हुफ का जो प्लूरल होता है हम उसको हुफ्स बोलते हैं ठीक है अब हुफ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अंग्यूलेट्स का जैसे मैमल्स वो प्राइमेट्स में नेल्स पाए जाते हैं उसी तरह हो हु जो है अंगूलेट्स में अंगूलेट्स में क्या आते हैं जितने भी तुम्हारे ये डर है राइट कैटल है, right? है इस तरह जो है दे आर जिराफ है दे आर फाउंड आंगुलू सी अगर हम आ, ये हुफ टिपिकल ऐसा दिखाई देते ना ऊपर से जैसे डार्क कलर का राइट right? अगर हम सेक्शन लें हूफ का तो देखो इस तरह दिखाई देगा ये जो है टर्मिनल फैलेंगस है और अपर जो हार्ड एंड पोश जो कि यहाँ विजिबल हो रहा है ये है अंगुस् और अंगुइस जो है चारों तरफ से किसको घेरे हुए हैं सब अंगुइस को ये दिखाई दे रहा है ये सब ये जो पोर्शन है दिस इज अगर हम सेक्शन ले सब अंगुइस है और उसके अलावा जो पोर्शन है जो सरफेस को टच करता है वो है अंगुइस अंगुइस पोर्शन जो है वो यानी कि जो एनिम किस पे वॉक करते हैं वॉक ऑन अंगुइस और अब आप देखो दोनों हुव्स के बीच में एक पो, पोर्शन होता है थोड़ा रेज्ड हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पैड ये देखो इस तरह सेक्शन में ये पैड दिखाई दे रहा है ये पोर्शन जो है दोनों हुव्स के बीच में एकदम ग्राउंड को टच नहीं करते है, बीच में एक स्किन होती है सॉफ्ट तो नहीं कह सकते बट द स्किन इज देयर विच इज़ रेज अब सब अंगुज सब अंगू से ऊपर होती है तो, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है ठीक है अब क्या होता है कि इन एनिमल्स में कि ये जो uh, अंग पोर्शन है ये जो हुफ पोर्शन है ये जो है बहुत हार्ड होता है और ये इस ईज़िली जो है इसकी वेयर एंड टीयर हो जाती है तो इसको जो कंटिन्यूसली जो है इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बट पहले तो क्या था कि uh, uh, कच्चे रास्ते थे ठीक है ना तो ये है इजीली रिप्लेस होते रहते थे बट अब क्या है कि uh, सड़कें बनी हुई हैं मेटलिक रोड्स हैं कोल्टा की बनी हुई है तो ये रेगुलरली वेयर एंड टीयर होता है तो हम इनको शॉर्ट कर देते हैं किससे हॉर्स शू से जिसको हम कहते हैं घोड़े की नाल पहले तो हॉर्स शू जो है लोहे का बना आज कल हॉर्स शू जो है स्टील का भी बनाता है ताकि वो इस तरह जो है इनके बैक में इसी शेप में फिट होता है ना तो वो इसी शेप में ऐसे होके इसमें इस जो है इस तरह वो फिट कर देते हैं जो भी वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं या उनके असिस्टेंट होते हैं सो so दैट ये जब हॉर्स वैन दे मूव ऑन रफ सर्फेसिज हार्ड सर्फेसिज इट डजेंट यू नो ट टोर्ड अवे राइट सो दिस वे इफ यू सी दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट स्किन डेरीवेटिव अच्छा अब एक चीज और है कि जिस तरह जो है यूजअली क्या होता है कि दो हुफ होते हैं बट वो दोनों हुफ जो है दिखने में एक होते हैं इस तरह के फ्यूज हुफ को बोलते हैं क्लर्वन होफ एट दिस पॉइंट ऑल्सो जैसे गोट है डियर है कैटल है इनमें जो है दो हुफ होते हैं बट वो फ्यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोवन हुफ हॉर्स वगैरह में जो है एक सिंगल ही हुफ होते हैं काव है शीप है पिग है इनमें जो है इस तरह का सिंगल हुफ होता है राइट मैं जो है एक जो आपको पढ़ाया है मैंने लास्ट कर... पिछली क्लास में बोला था आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी इस पूरे मटेरियल का और आपका अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी द क्वेरी योर क्वेरी ऑल्सो एंड यू नो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर ओके दिस इज़ ऑल फॉर टुडे